जब हमारे पास सब कुछ होता है तो कोई भगवान को याद नहीं करता। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हर कोई कहता है कि किसने किया, मैंने। लेकिन जब मुसीबत आती है तब अमीर भी भगवान से भीख मांगने लगता है। मैं आज आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें भगवान से कुछ मांगना चाहिए? आपका इस बारे में जो भी जवाब हो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा ताकि आप सही जवाब को समझ सकें। एक बार एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ खेल रहा था, तभी अचानक बच्चे की नज़र कहीं एक जगह जलती हुई लकड़ियों की आग पर पड़ी। आग को बच्चा ध्यान से देखने लगा। उसने ध्यान दिया कि आग का आकार हर एक सेकंड में बदल रहा था, जो दिखने में आकर्षक लग रहा था। अब बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे वो ऑरेंज कलर की चीज़ मेरे हाथ में ला के दो ना। पिता ने कहा, ना बेटा, वो चीज़ नहीं है, आग है। इससे तुम्हारा हाथ जल सकता है। लेकिन बच्चे ने एक न सुनी, उसने अपनी जिद को पकड़ रखा। तो उसके पिता ने गुस्से से कहा, ठीक है, जा खेल आग से। बच्चा आग के पास जाता है और जैसे ही वो आग में हाथ डालता है वो जल जाता है और रोने लगता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, उस बच्चे की तरह हम भी भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हमें लगता है कि जो मैं मांग रहा हूँ वो बहुत अच्छा है और मैं भी सोच समझ के ही तो मांग रहा हूँ। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। भगवान हमसे बहुत बुद्धिशाली है, उनको सब कुछ पता है कि किसे क्या कब और कैसे देना है। लेकिन हमारे जैसे ना समझ लोग भगवान के पास कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, तब भगवान गुस्से से वो दे देते हैं, जिसके बाद जब दुख आता है तो भगवान को ही हम कहते हैं, भगवान तू हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है।